copy, move or delete the text. Use the copy and paste commands to duplicate text. अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को डुप्लीकेट किस तरह किया जाता है। टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए हम कॉपी और पेस्ट के टूल इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब हम इसकी एक और डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं। इसके लिए आपको होम टैब में ये टूल नजर आ रहा है, जिसे हम कॉपी टूल कहते हैं। अब हम इस पर यानी कॉपी टूल पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं। हमारा टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी हो गया है। अब हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पेस्ट टूल का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें दोबारा होम टैब की तरफ जाना होगा। कॉपी टूल के बिल्कुल साथ ही बाएं तरफ हमें ये टूल नजर आ रहा है, इसे पेस्ट टूल कहते हैं। यूज कट एंड पेस्ट ऑप्शन टू मूव टेक्स्ट विद इन द प्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने सीखा कि किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट किस तरह तैयार की जा सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह कट और पेस्ट टूल को इस्तेमाल करके टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हम यहां तीन लाइंस में टेक्स्ट लिखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दिस इज ए कार, दिस इज ए बाइक, दिस इज ए ट्रक। अब अगर हम चाहते हैं कि पहली लाइन का टेक्स्ट वहां से खत्म होकर तीसरी लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम कट और पेस्ट टूल की मदद लेते हैं। इसके लिए हमें होम टैब में कॉपी टूल के ऊपर ये टूल नजर आ रहा है, इसे हम कट टूल कहते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन के टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कट टूल पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम कट टूल पर क्लिक करते हैं, तो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी पहली लाइन वहां से खत्म हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि यही लाइन सबसे आखिर में आ जाए, तो हम कर्सर को आखिरी लाइन पर ले जाते हैं। अब हम होम टैब पर मौजूद पेस्ट टूल पर क्लिक करते हैं या हम कीबोर्ड से कंट्रोल वी को प्रेस करने से भी कटशुदा टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम पेस्ट टूल पर क्लिक करते हैं, तो हमारा टेक्स्ट जो कि हमने पहली लाइन से खत्म किया था, वो सबसे आखिर में आ गया है। इस तरह हम कट और पेस्ट टूल को इस्तेमाल करके टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि पावर पॉइंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को किस तरह डिलीट किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहां कोई टेक्स्ट लिखते हैं। मसलन हम यहां सॉफ्टवेयर टाइप करते हैं। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस की मदद से इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको डिलीट कैसे किया जा सकता है। कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट बटन की मदद से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट हो गया। कॉपी, मूव, डुप्लीकेट द इमेजेस। प्रेजेंटेशन में इमेज को इंसर्ट करना तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी तरीके से आप एक इमेज इंसर्ट कर लें।
इमेज को डुप्लीकेट करने के लिए हम कॉपी और पेस्ट के टूल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। मसलन हमने कोई इमेज इंसर्ट किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इसकी एक और डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस इमेज को माउस की मदद से सिलेक्ट करते हैं। जब हम माउस इमेज के ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने ये एक निशान बन जाता है जिसके चारों तरफ एरोज बने हुए हैं। अब हम जैसे ही इमेज पर क्लिक करते हैं तो इमेज के इर्द गिर्द दायरे बन जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा इमेज सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, जिसके लिए हमें पहले की तरह होम टैब की तरफ जाना पड़ेगा। आपको होम टैब में ये टूल नजर आ रहा है, जिसे हम कॉपी टूल कहते हैं। अब हम इस टूल पर यानी कॉपी टूल पर क्लिक करते हैं। हमारा इमेज जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी हो गया है। अब हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पेस्ट टूल का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें दोबारा होम टैब की तरफ जाना होगा। पेस्ट टूल से भी आप वाकिफ हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, हमारे इमेज की एक और डुप्लीकेट बन गई है। इस तरह हम इमेज की किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर कॉपी और पेस्ट टूल की मदद से डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यही काम हम माउस को राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट की मदद से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब पर मौजूद फॉन्ट टूल बॉक्स के बारे में सीखेंगे। फॉन्ट सबसे पहली ऑप्शन जो आपको इस टूल बॉक्स में नजर आ रही है, उसे फॉन्ट कहते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इस छोटी ट्रायंगल या एरोहेड पर क्लिक करने से ये नीचे की तरफ खुल जाता है और आपको बहुत से फॉन्ट नेम्स नजर आते हैं। ये वो तमाम फॉन्ट्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का फॉन्ट चुन सकते हैं, ताकि अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छी और खूबसूरत लुक दे सकें। दूसरी ऑप्शन जो आपको नजर आ रही है वो फॉन्ट साइज है। यहां भी आपकी पहली ऑप्शन की तरह एक ट्रायंगल या एरोहेड नजर आ रही है। इसको क्लिक करने पर आपको मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस डिजिट्स की सूरत में मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक मुंतखब कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज साइज, ये ऑप्शन भी फॉन्ट साइज की तरह काम करती है। इसमें आपको दो आइकॉन नजर आते हैं, एक बड़ा ए और दूसरा छोटा ए। बड़े ए पर क्लिक करने से ये आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को दो दर्जे या चार दर्जे तक बढ़ा देता है। मसलन, अगर आपके टेक्स्ट का साइज 12 है और आप बड़े ए पर क्लिक करते हैं तो इसका साइज 14 हो जाएगा, और अगर आप मुसलसल ऐसा करें तो पावर पॉइंट इस टेक्स्ट का साइज 20 होने तक बतदरीज 2-2 का इजाफा करता रहेगा। लेकिन जब इसका साइज 20 हो जाएगा तो इजाफा 4 दर्जे हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर फॉन्ट साइज 20 हो तो आपके बड़े ए को क्लिक करने पर इसका साइज 24 हो जाएगा। यहां आपको स्मॉल ए या छोटा ए नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करने से ये बड़े ए के मुखालिफ काम करेगा। मसलन अगर फॉन्ट साइज 32 है तो इसको क्लिक करने पर ये 4 दर्जे छोटा हो जाएगा, यानी इसका साइज 28 हो जाएगा। और अगर फॉन्ट साइज 20 है तो छोटे ए को क्लिक करने पर ये 2 दर्जे छोटा हो जाएगा, यानी इसका साइज 18 हो जाएगा। क्लियर द फॉर्मेटिंग।
इस आइकॉन की सूरत कुछ यूं है कि एक बड़ा ए और एक छोटा ए और इसके साथ इरेजर या रबर का निशान है। जैसा कि इसका नाम है क्लियर द फॉर्मेटिंग, इससे साफ जाहिर है कि ये सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाइड फॉर्मेटिंग को साफ कर देता है। फर्ज करें अगर आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा किया है या उसे अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड या कोई और फॉर्मेट अप्लाई किया है, तो इस आइकॉन पर क्लिक करने से ये तमाम फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी जैसा कि आपने इसे पहली मर्तबा लिखा था। बोल्ड, ये आइकॉन इंग्लिश अल्फाबेट बी जैसा होता है। इस पर क्लिक करने से ये आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करता है। बोल्ड आपके टेक्स्ट को नुमाया करता है। ये ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होती है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में किसी लफ्ज या लाइन पर जोर देना चाहते हैं या देखने वालों को मुतवज्जे करने या अल्फाज को नुमाया करने के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन में बोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इटैलिक, ये आइकॉन इंग्लिश अल्फाबेट आई जैसा होता है लेकिन ये एक तरफ झुका हुआ होता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट पर इसके इस्तेमाल से वो टेक्स्ट एक तरफ झुक जाता है जिससे वो दूसरे टेक्स्ट से नुमाया दिखाई देता है। अंडरलाइन, अंडरलाइन आइकॉन इंग्लिश अल्फाबेट यू की शक्ल का होता है लेकिन इसके नीचे एक लाइन लगी होती है। ये ऑप्शन सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगा देती है जिससे वो टेक्स्ट नुमाया हो जाता है। शैडो, शैडो की ऑप्शन आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को नुमाया करती है। जैसा कि इसका नाम शैडो है, इसके इस्तेमाल से आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे एक साया बन जाता है जिससे आपका टेक्स्ट दूसरे हिस्से से मुनफरिद नजर आता है। इस आइकॉन की शक्ल इंग्लिश अल्फाबेट एस की मानिंद होती है और इसके नीचे इसका साया भी नजर आता है। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू के आइकॉन की सूरत यूं होती है जैसा कि इंग्लिश के पहले तीन अल्फाबेट्स यानी छोटे ए बी सी और उनके दरमियान एक लाइन लगी होती है। वैसे तो कंप्यूटर की दुनिया में स्ट्राइक थ्रू बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन हम पावर पॉइंट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं इसलिए हम टेक्स्ट के हवाले से बात करेंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की तरह स्ट्राइक थ्रू भी टेक्स्ट को नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्टर स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग के आइकॉन की सूरत इंग्लिश के अल्फाबेट ए वी की तरह की होती है लेकिन इसके नीचे डबल हेड एरो होता है। जब हम कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अल्फाबेट करेक्टर्स के दरमियान एक डिफॉल्ट स्पेस रखता है। लेकिन आप इस स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस आइकॉन के साथ भी एक ट्रायंगल होती है जिस पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें आपके पास ये ऑप्शंस होती हैं। जैसा कि वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन हस्बे जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। केस, इस ऑप्शन के आइकॉन की सूरत भी बड़े ए और छोटे ए की तरह होती है। इसके जरिए आप अपने लिखे और सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस तब्दील कर सकते हैं। केस से मतलब ये है कि अगर आपने इंग्लिश में कुछ लिखा है और वो छोटे करेक्टर्स में है तो बजाय इसके कि आप कैप्स लॉक ऑन करके उसे दोबारा लिखें, आप इस ऑप्शन के साथ उसको बड़े करेक्टर्स में तब्दील कर सकते हैं। इस आइकॉन के साथ भी एक ट्रायंगल होती है जिस पर क्लिक करने से आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मुहैया की गई हैं, जिनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर के आइकॉन की सूरत इंग्लिश के पहले अल्फाबेट
ए की तरह होती है और इसके नीचे एक कलर बार होती है। इसके साथ भी ट्रायंगल होती है जिस पर क्लिक करने से एक कलर पैलेट जाहिर होती है। इसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं जिनको आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट टूल बॉक्स में आपको नीचे की तरफ एक तिरछा एरो नजर आ रहा है जिसको क्लिक करने पर आपको एक डायलॉग बॉक्स नजर आता है। इसमें तकरीबन वो तमाम ऑप्शंस होती हैं जो हमने अभी सीखी हैं। सिर्फ 2-3 ऑप्शंस का इजाफा है जिन्हें हम अभी सीखेंगे। अंडरलाइन टाइप। इस ऑप्शन में आपको अंडरलाइन के मुख्तलिफ डिजाइन नजर आ रहे हैं जिनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर। इस ऑप्शन में आप अंडरलाइन के मुख्तलिफ रंगों का इंतखाब कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अगर आपने रियाजी के सवालात या इक्वेशन लिखनी हो और उसमें किसी की पावर या बेस वैल्यू लिखनी हो तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज स्पेल चेक फॉर प्रेजेंटेशन टेक्स्ट। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में स्पेल चेक प्रोग्राम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और जहां जरूरत हो वहां चेंजेस किस तरह की जाती हैं। मसलन हम स्लाइड में कोई लाइन लिखते हैं जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस लाइन में यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग्स गलत हैं और इसके नीचे एक सुर्ख लाइन भी आ गई है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह स्पेल चेक प्रोग्राम को यूज करके ये स्पेलिंग सही कर सकते हैं। इसके लिए हम रिव्यू टैब में से स्पेलिंग की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर मौजूद F7 की प्रेस करते हैं। ये देखिए, स्पेलिंग की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें सबसे ऊपर नॉर्टन डिक्शनरी के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है और इसके आगे एक बॉक्स है जिसमें हमें वो स्पेलिंग नजर आ रहे हैं जो कि गलत हैं। और इससे नीचे हमें चेंज टू के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है जिसके आगे बॉक्स में सही स्पेलिंग्स दिए गए हैं। और इसके नीचे हमें सजेशंस के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है जिसमें हमें सही स्पेलिंग्स के बारे में सजेशन दी जा रही है। अब हम अगर ये स्पेलिंग ठीक करना चाहें तो इसके लिए हमें चेंज के नाम से एक बटन नजर आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। चेंज के बटन पर क्लिक करते ही यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग ठीक हो जाते हैं और इसके नीचे से सुर्ख लाइन भी खत्म हो जाती है। इस तरह हम स्पेल चेक प्रोग्राम को यूज करके अपनी जरूरत के मुताबिक स्पेलिंग्स ठीक कर सकते हैं। ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि स्लाइड में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मसलन लाइंस रेक्टेंगल सर्कल वगैरह को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। आप जान जाएंगे कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में कलर किस तरह फिल किए जाते हैं और इनका साइज किस तरह चेंज किया जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स को मूव किस तरह किया जाता है और स्लाइड में चार्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स। आइए हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में डिफरेंट लाइंस को किस तरह ऐड किया जाता है। इसके लिए होम टैब में मौजूद ड्राइंग ग्रुप में हमें ये ऑप्शन नजर आ रही है जिसकी मदद से हम स्लाइड में लाइंस लगा सकते हैं। अब हम इन स्टाइल्स में से ये लाइन स्टाइल मुंतखब करते हैं तो कर्सर की शक्ल चेंज होकर प्लस साइन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब माउस की मदद से ड्रैगिंग करते हुए हम लाइन लगा सकते हैं। मूव लाइंस इन अ स्लाइड। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में लाइंस को मूव किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करके इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद माउस की मदद से लाइन को पकड़कर ड्रैगिंग करते हुए लाइन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं।
इसके अलावा कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज की मदद से भी हम लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद मूव कर सकते हैं। चेंज द लाइन कलर एंड विड्थ। अगर आप किसी शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं या इसकी विड्थ में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करके इसको सिलेक्ट करते हैं। होम टैब में ड्राइंग टूल बार में हमें शेप कलर के नाम से ये एक ऑप्शन नजर आ रही है जिसके आगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। जैसे ही हम इस एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं, जिसमें से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करके रेक्टेंगल के कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर इसी तरह हम लाइन की विड्थ में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हम माउस की मदद से लाइन पर डबल क्लिक करते हैं। लाइन पर डबल क्लिक करने से हमारे सामने फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है जिसमें से हम स्टाइल शेप्स पर क्लिक करते हैं। इसमें हमें मुख्तलिफ स्टाइल और विड्थ की ऑप्शन नजर आ रही है। किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने से लाइन की विड्थ और स्टाइल बदल जाते हैं। एड वेरियस फॉर्म्स ऑफ शेप बॉक्सेस सर्कल्स टू ए स्लाइड। इसके लिए होम टैब में ड्राइंग में हमें शेप की ऑप्शन नजर आ रही है। मसलन अगर हम शेप पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास शेप की एक मेन्यू खुल जाती है। यहाँ हम अपनी मर्जी की कोई भी शेप सिलेक्ट करके स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। रोटेट और फ्लिप ए ड्रॉन ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में किसी भी ऑब्जेक्ट मसलन रेक्टेंगल सर्कल लाइन वगैरह को रोटेट किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मसलन रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इसके इर्द गिर्द सफेद दायरे से बन गए हैं जिनकी मदद से रेक्टेंगल को छोटा बड़ा किया जा सकता है। लेकिन इन सफेद दायरों के अलावा सबसे ऊपर एक सब्ज दायरा भी है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट यानी घुमा सकते हैं। कर्सर इस दायरे के करीब ले जाने से कर्सर की शक्ल चेंज होकर एक गोल एरो की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब अगर आप माउस का बटन दबाकर रखते हुए इसको हरकत देंगे तो रेक्टेंगल रोटेट होना शुरू हो जाएगी। चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द शेप चेंज द कलर एंड लाइन टाइप ऑफ द शेप। अब हम आपको बताते हैं कि इन शेप्स यानी रेक्टेंगल सर्कल वगैरह के एट्रीब्यूट्स को किस तरह चेंज किया जा सकता है, यानी इनमें कलर किस तरह फिल किए जाते हैं और इनकी लाइन टाइप यानी बॉर्डर्स को किस तरह चेंज किया जाता है। मसलन हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई कलर भी आ जाए तो इसके लिए ड्राइंग टूल ग्रुप में शेप फिल के नाम से ये एक ऑप्शन मौजूद है जिसके आगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं। अब हम इसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन हम ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया तो इस सर्कल का रंग जो हमने ड्रॉ किया है ब्लू हो गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस सर्कल का स्टाइल चेंज हो जाए तो इसके लिए हम सर्कल पर डबल क्लिक करते हैं तो रिबन में फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। अब आप शेप स्टाइल्स में से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करके इस सर्कल का स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, इसका रंग आउटलाइन का रंग और इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये देखिए इन मुख्तलिफ ऑप्शंस के जरिए हम किसी शेप को किस तरह चेंज कर सकते हैं। क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। चार्ट एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए हम अपने डेटा को ग्राफिकली दिखा सकते हैं।
चार्ट्स के ज़रिए आप अपने ऑडियंस को नंबर्स और फिगर्स के पोशीदा मतलब और उनमें मुवाजना करवा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा चार्ट्स के मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताते हैं। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, सरफेस चार्ट, ये तमाम किस्म के चार्ट आपको पावर पॉइंट में मुयस्सर हैं और उन्हें आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं। टाइटल ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट का टाइटल। वर्टिकल एक्सिस, इसको आमतौर पर वाई एक्सिस का नाम भी दिया जाता है। डेटा सीरीज, ये हिस्सा आपके चार्ट में मौजूद डेटा पॉइंट को जाहिर करता है। लेजेंड, इसमें आप अपने चार्ट में दिए गए डेटा के बारे में कुछ अहम मालूमात लिखते हैं और ये आम तौर पर एक्स एक्सिस के बारे में होता है कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी में आता है और चार्ट में क्या स्केल इस्तेमाल किया गया है वगैरह। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में चार्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में हमें इलस्ट्रेशन का ग्रुप नजर आ रहा है। इसमें हमें चार्ट की ऑप्शन नजर आ रही है। जैसे ही हम इस चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स है। इसमें बाएं जानिब हमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं और दाएं जानिब हमें हर टेम्पलेट से मुतालिका स्टाइल नजर आ रहा है। इस टेम्पलेट मेन्यू में से अपनी जरूरत के मुताबिक कोई सा स्टाइल सिलेक्ट करें और ओके का बटन दबा दें। आपका मतलूबा चार्ट स्लाइड पर इंसर्ट हो गया है। अब हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। इसको रीसाइज और इसकी लोकेशन भी तब्दील कर सकते हैं। क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एटसेट्रा। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब में से चार्ट की कमांड पर क्लिक करके एक चार्ट बनाते हैं। और अगर हम इस चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में से हम चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। मसलन, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट वगैरह। आप इसमें से जो चाहे वो टाइप सिलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें। मसलन हम इसमें से पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, पाई चार्ट पर क्लिक करने से बार चार्ट तब्दील होकर पाई चार्ट हो गया है। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स स्लाइड में बना सकते हैं। Resize and move an image in a slide. पहले हम आपको बताते हैं कि इमेज का साइज किस तरह चेंज किया जाता है। जब भी हम कोई इमेज अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं तो उसके गिर्द सफेद दायरे से बन जाते हैं। और जैसे ही हम कर्सर इन दायरों के करीब ले जाते हैं तो कर्सर की शक्ल चेंज हो जाती है। अब हम जिस तरफ से इमेज का साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कर्सर की मदद से इन एरोज को पकड़ के ड्रैग करने से इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम इमेज को मूव करना चाहते हैं तो माउस से ड्रैग करते हुए इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या इमेज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज की मदद से भी इमेज को मूव किया जा सकता है। Import other objects, text, spreadsheet, table, chart or graphic files to slides. अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मसलन स्प्रेडशीट, ग्राफिक फाइल्स वगैरह किस तरह इम्पोर्ट करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब से ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है जिसमें हमें दो ऑप्शंस क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल के नाम से नजर आ रही हैं।
इसमें से हम क्रिएट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन पर क्लिक करने से बॉक्स चेंज होकर ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें हमें क्रिएट फ्रॉम फाइल के सामने एक खाली बॉक्स नजर आ रहा है, जबकि इसके नीचे ब्राउज का बटन भी मौजूद है। ब्राउज के बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें बहुत सी फाइल्स नजर आ रही हैं। इनमें स्प्रेडशीट्स, इमेजेस और बहुत सी दूसरी फाइल्स शामिल हैं। अब हम इसमें से जो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। मसलन हम ये स्प्रेडशीट सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करने से हम दोबारा क्रिएट फ्रॉम फाइल वाले बॉक्स पर आ गए हैं और अब इसके सामने इस ऑब्जेक्ट का तमाम पाथ नजर आ रहा है जो कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करने से हम दोबारा पावर पॉइंट की विंडो पर आ जाते हैं। ये देखिए, स्लाइड में वो स्प्रेडशीट आ गई है जो हमने इंपोर्ट की है। इस तरह हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी एन इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट टू ए मास्टर स्लाइड। अब हम आपको बताते हैं कि एक इंपोर्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को मास्टर स्लाइड में किस तरह कॉपी किया जाता है। सबसे पहले तो हम एक मास्टर स्लाइड ओपन करते हैं। मास्टर स्लाइड ओपन करने के बाद हम इसमें एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना तो आपको आ ही गया होगा, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने के बाद हम मास्टर व्यू क्लोज कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हमारी मास्टर स्लाइड में कॉपी हो गया है। अब हम जितनी भी स्लाइड्स इंसर्ट करेंगे इसमें हर स्लाइड में ये ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। इस तरह हम ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करके मास्टर स्लाइड में कॉपी कर सकते हैं। एड बॉर्डर इफेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट और पिक्चर। अब हम आपको बताते हैं कि किसी पिक्चर और ऑब्जेक्ट पर बॉर्डर इफेक्ट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं, यानी इसके बॉर्डर पर किस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। मसलन हम कोई स्प्रेडशीट इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम इसके बॉर्डर पर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें से हम लाइन कलर्स या लाइन स्टाइल्स के टैब पर क्लिक करते हैं, जिसमें से हम दूसरी ऑप्शन यानी सॉलिड लाइन में से हम इस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पर मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मसलन लाइन में कलर दे सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसका वेट या ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें से जो स्टाइल देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और क्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर चेंज होकर वैसे ही हो गए हैं जो कि हमने सिलेक्ट किए हैं। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्लाइड ओरिएंटेशन को किस तरह चेंज किया जाता है। प्रेजेंटर के लिए स्लाइड में नोट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। स्पेल चेक प्रोग्राम को किस तरह यूज किया जाता है। स्लाइड को मुख्तलिफ व्यूज में किस तरह प्रिंट किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए एक सूटेबल आउटपुट फॉर्मेट किस तरह सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम डिजाइन टैब में पेज सेटअप की कमांड पर क्लिक करते हैं। आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको स्लाइड्स साइज्ड फॉर के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है और इसके नीचे एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके आगे एक एरो बना हुआ है। आइए हम इस एरो पर क्लिक करते हैं। एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें हमें मुख्तलिफ आउटपुट फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं। मसलन ऑन स्क्रीन शो,
letter paper, overhead, banner, 35mm slide वगैरह। आप इसमें से वो आउटपुट फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सूटेबल लग रहा है। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट चेंज हो गया है। चेंज स्लाइड ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आइए अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड की ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन या पोजीशन को किस तरह चेंज किया जा सकता है। स्लाइड को दो तरह की डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट स्लाइड की डायरेक्शन लैंडस्केप होती है, यानी जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो स्लाइड लैंडस्केप होती है। हम आपको बताते हैं कि स्लाइड को पोर्ट्रेट किस तरह किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले डिजाइन टैब में पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पेज सेटअप की कमांड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें दाएं तरफ आपको ओरिएंटेशन स्लाइड्स के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है जो कि इस वक्त लैंडस्केप है। हम इसमें से पोर्ट्रेट की कमांड को सेलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन लैंडस्केप से चेंज होकर पोर्ट्रेट हो गई है। इस तरह हम स्लाइड की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स व्यू। जब हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो उसके मुख्तलिफ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन के बारे में बताते हैं। लेफ्ट पैन में आउटलाइन के टैब में क्लिक करने से आपको प्रेजेंटेशन की तमाम आउटलाइंस नजर आती हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने के लिए हम व्यू के टैब में से स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन का व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू में चेंज हो गया है। और अगर हम नोट्स पेज व्यू देखना चाहते हैं तो व्यू के टैब ही में से नोट्स पेज की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, आपके सामने नोट्स व्यू नजर आ रहा है। इस तरह हम स्लाइड के मुख्तलिफ प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट स्लाइड्स इन वेरियस व्यूज एंड आउटपुट्स। हम स्लाइड्स को मुख्तलिफ व्यूज में प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जिसमें डिफरेंट स्लाइड्स हों। अब हम इसको प्रिंट की कमांड देते हैं, जिसके लिए हम फाइल के टैब में से प्रिंट की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने प्रिंट की कमांड पर क्लिक किया है, हमारे सामने एक मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में हमें प्रिंट, प्रिंटर और सेटिंग्स के नाम से ऑप्शंस नजर आ रही हैं। प्रिंट की ऑप्शन में आपको कॉपीज की ऑप्शन नजर आ रही है। इसका मकसद ये है कि आप इस मुतालिका प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट के बटन से प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इससे नीचे प्रिंटर में आप अपने प्रिंटर की सेटिंग्स या जिस प्रिंटर के जरिए प्रिंट लेना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर से नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन है, जिसमें आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में पहले से आपको प्रिंट ऑल स्लाइड्स की ऑप्शन सिलेक्टेड नजर आ रही है। इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने पर आपको प्रिंट करंट स्लाइड, प्रिंट सिलेक्शन और प्रिंट कस्टम रेंज की ऑप्शंस नजर आती हैं। आप इन ऑप्शंस को अपनी जरूरत के मुताबिक सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड्स टेक्स्ट बॉक्स में आप स्लाइड नंबर के हिसाब से स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट है।
इस लिस्ट के जरिए आप एक पेज पर एक या एक पेज पर दो या मुख्तलिफ ऑप्शंस के मुताबिक स्लाइड्स का प्रिंट ले सकते हैं। इसमें आपके पास स्लाइड्स को फ्रेम, फिट टू पेज और हाई क्वालिटी प्रिंट की ऑप्शंस मौजूद हैं। कोलेटेड की लिस्ट के जरिए आप अपनी स्लाइड्स को ग्रुप वाइज कंबाइन करके प्रिंट ले सकते हैं। यानी आप स्लाइड्स का सेट डिफाइन करके जैसे 1, 2, 3 या 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 के हिसाब से प्रिंट ले सकते हैं। कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है या कलर्ड प्रिंट लेना है। ये ऑप्शन उस वक्त काम आएगी जब आप कलर प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हों। स्लाइड शो इफेक्ट्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं, इन इफेक्ट्स को चेंज किस तरह किया जाता है और स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। प्रीसेट एनिमेशन, पहले से दिए गए इफेक्ट्स और एनिमेशन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं। इसके लिए हम स्लाइड में कुछ लिखते हैं, मसलन हमने यहाँ पाकिस्तान लिखा और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद रिबन में से एनिमेशंस के टैब पर क्लिक करते हैं। एनिमेशन के टैब में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे एडवांस्ड एनिमेशन टाइमिंग्स प्रीव्यू। एनिमेशन प्रीव्यू के जरिए आप एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। एनिमेशन के मेन्यू में एरो पर क्लिक करें तो एनिमेशंस की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स और एनिमेशंस हैं। आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर कोई भी एनिमेशन लागू करके देख सकते हैं। ये देखें, स्विवल की एनिमेशन लगाने से पाकिस्तान लिखा हुआ किस तरह से एनिमेट हो गया। इसी तरह आप अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक एनिमेशन सिलेक्ट करके टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। ये तमाम एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जो कि हम इस स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। हम इसमें से टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और एक इफेक्ट लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि इफेक्ट लगाते ही टाइमिंग ऑप्शन इनेबल हो गई और इस इफेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट के नाम से एक कमांड है और इसमें ऑन क्लिक लिखा हुआ है और इसके शुरू में माउस बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जब हम माउस क्लिक करें तो ये इफेक्ट चले। इसी तरह ड्यूरेशन और डिले के नाम से दो और ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी इस इफेक्ट की ड्यूरेशन क्या हो और ये इफेक्ट कितनी देर नजर आता रहे।